प्रियंका एक बार फिर से लेकर आ गई हूँ आप सभी लोगों का खास प्रोग्राम पब्लिक डिमांड, जहाँ पर हम स्टार से पहले दर्शकों की बात करते हैं और आपको साथ में जानकारी देते हैं यूट्यूब में चली हलचल को लेकर कि आखिरकार भोजपुरी इंडस्ट्री की तरफ से यूट्यूब पर क्या कुछ नया छाया है। और अभी हम आपके लिए लेकर आ गए हैं हमारे भोजपुरी के पावर स्टार, कह लीजिए गायकी के सिरमौर कह लीजिए, या फिर हमारे सुपरस्टार पवन सिंह कह लीजिए। भाई भोजपुरिया राजा के नाम से फेमस पवन सिंह का ना जाने कितना नाम पड़ गया है और उन्हीं स्टार की फिल्म आज यूट्यूब पर दस्तक दे चुकी है और फिल्म का नाम है माँ तुझे सलाम। वैसे तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी काफ़ी शानदार तरीके से चली है, दर्शकों की तरफ से संपूर्ण इसे रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन अब ये फिल्म यूट्यूब पर रिलीज हुई और इन्हें यूट्यूब पर भी बहुत अलग अंदाज के साथ रिलीज किया गया है। जी हाँ, इस फिल्म को पहले यूट्यूब पर लाइव लाया गया और उसी के साथ साथ उसी के अंदर अंदर इस फिल्म को कब हज़ारों लोगों ने देख लिया और वही अब फिल्म यूट्यूब पर अपलोड हो चुकी है और हमने कुछ ही घंटों के अंदर ये न्यूज़ आपके लिए लेकर आ गए हैं। और चलिए शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं भोजपुरिया स्टार पवन सिंह की फिल्म के साथ जुड़ी खास जानकारी। चलिए बात कर लेते हैं पहले स्टार कास्ट की। फिल्म है माँ तुझे सलाम। स्टार कास्ट में पवन सिंह, मधु शर्मा, अक्षरा सिंह, सुरेंद्र पाल सिंह, ईशान खान, प्रकाश जैस, अयाज खान, सुभेश कौरल, सुनील व मनोज टाइगर, बहुत सारे तमाम लोग हैं, मैं सभी लोगों का नाम नहीं ले पाऊंगी। वहीं प्रोड्यूसर अभय सिन्हा एंड समीर आफ्ताब जी हैं, डायरेक्टर हमारे असलम शेख जी हैं, को प्रोड्यूसर बिलेश जैन और माजिद मूवी की तरफ से किया गया है, म्यूजिक डायरेक्टर अविनाश झा एंड घुंगरू जी हैं, वहीं पर ग्रेट कंपोजर हैं धनंजय मिश्रा जी, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं हमारे शेख जी जिन्हें बंटी के नाम से भी लोग जानते हैं। बहुत बड़ा टीम है इस फिल्म को बनाने में और फिल्म का जो बैनर है यसी म्यूजिक प्राइवेट लिमिटेड है। जी हाँ, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो इस फिल्म को बहुत ही शानदार तरीके से बनाने की कोशिश की गई थी और शानदार तरीके से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चली भी। अब यूट्यूब पर इस फिल्म को कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, कितना प्यार कर रहे हैं, ये हमें पता कब चलेगा फिल्म के व्यूज जानकर। कुछ घंटों के अंदर मैं कह सकती हूँ, कुछ घंटों के अंदर हज़ार के व्यूज़ ये क्रॉस कर चुके हैं। ना जाने कल सुबह तक ये व्यूज़ कहाँ तक पहुँचेगा, कितने लोग देखेंगे, ये देखना बहुत लाजवाब, मज़ेदार और हर किसी को इंतज़ार होगा। बात करते हैं अब कमेंट्स की, यानी दर्शक क्या ने क्या कमेंट किया है। पवन भैया लव यू सो मच, वाह नाइस मूवी, बहुत अच्छा, मस्त भैया, आई लव यू सो मच। रविंद्र राज ऑफिशियल की तरफ से मैसेज है, पवन भैया और अक्षरा सिंह का सुपरहिट मूवी, प्लीज़ इसे ज़रूर देखिए। अक्षरा सिंह ऑफिशियल की तरफ से मैसेज है, थैंक यू सो मच, लव यू पवन सिंह, अक्षरा सिंह, मधु शर्मा, माँ तुझे सलाम, बहुत अच्छा लगेगा, एक बार ज़रूर देखिए और इतना प्यार दीजिए, इतना आशीर्वाद दीजिए कि सभी लोग इसे खूब ज़्यादा सराहे। मतलब कि अक्षरा सिंह ने भी ऑफिशियल तौर पर इस फिल्म को बहुत 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 ज़्यादा बधाई दी और सभी लोगों को इस फिल्म देखने की अपील की है। यहाँ पर बलेश्वर बॉय की तरफ से मैसेज है, भोजपुरी की अब तक की सबसे अच्छी स्टोरी, अच्छा लोकेशन, अच्छी एक्टिंग और अच्छे अच्छे गाने के साथ और साफ सुथरी फिल्म को देख और गर्व महसूस हो रहा है और मुझे ये फिल्म बेहद ज़्यादा पसंद आई है, मैं इसे चाहता हूँ इसे बार बार लोग देखें। वहीं इन्होंने एक ये भी जानकारी दी है भाई, जी हाँ इन्होंने जानकारी दी है, मैं इस फिल्म को सिनेमा हॉल में 5 बार देख के आया हूँ। फिल्म में अभिनेता और अभिनेत्री के बीच एक किसिंग सीन भी नहीं दिखाया गया है और ये फिल्म सिनेमा हॉल में लगातार 11 सप्ताह तक चली थी। 11 सप्ताह मतलब कि 1 महीने से भी ज़्यादा। ये फिल्म ने 60 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है और सिनेमा हॉल में भाई बहुत ही अच्छा फिल्म चल रहा है पवन भैया का ये फिल्म। ये बहुत बड़ी जानकारी दी है इन्होंने और देखा जाए तो कितने पैसे कमाए हैं ये भी इन्होंने बता दिया है। प्रशांत गुप्ता का मैसेज है, कैसी लगी आप लोगों की ये फिल्म, हमें ज़रूर बताइए भाई। आप पवन सिंह की फिल्म है, डेफिनेटली दर्शकों को पसंद आ रही है। पवन जी आपकी फिल्म ब्लॉकबस्टर है, आई लाइक दिस मूवी, मैं काफ़ी समय से वेट कर रहा था। भाई हम भी वेट कर रहे थे, फाइनली आपका इंतज़ार हुआ खत्म, फिल्म हो गई है रिलीज़। आगे लिखा हुआ है इसमें सुपर हिट, लव यू सो मच, बहुत अच्छा है फिल्म आपका पवन, अक्षरा सिंह काफ़ी टाइम बाद मुझे नज़र आए और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। भाई कहीं ना कहीं भाई पवन सिंह और अक्षरा सिंह की जोड़ी पर भी इस फिल्म के ज़रिए निगाहें बनी हुई हैं। आगे बहुत सारे मैसेजेस हैं, मैं सारे मैसेजेस पढ़ नहीं पाऊँगी। पवन सिंह फैंस क्लब की तरफ से मैसेज है, जियो पवन सर, आपका भोजपुरी इंडस्ट्री में चलता है और आप भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत बड़े शेर हैं और बहुत अलग अलग ढंग से लोगों ने कमेंट्स किए हैं, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो साफ यही लग रहा है कि पवन सिंह की फिल्म माँ तुझे सलाम अभी तक जितने लोगों के कमेंट्स आए हैं हर किसी को पसंद आए।
आगे क्या होता है अपडेट देते रहेंगे, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरी को देखना और इतना सारा प्यार देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।